हेलो भाई, बिग फैन बिग फैन बिग फैन भाई, हेलो बिग फैन बिग फैन। अब भाई यहाँ पे बताओ, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ? ये मेरे लिए सैड मोमेंट है या प्राउड मोमेंट है कि भाई बंदा मेरे को बिग फैन बोल रहा है? भाई मार के बिग फैन बोल रहा है। अब देखो भैया, मोस्टली सभी बंदों का यही सवाल है कि मेरा कॉन्कर कब होगा, मेरा कॉन्कर कब हो गया, और भाई एस पे कॉन्कर कब तक रहेगा। तो भाई यही सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जिसके लिए आपको प्लीज वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब भाई कसम से यार, यहाँ पे मेरे को इतना जल्दी डैमेज होता है ना बंदों के गोलियों का मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे बंदे की दो गोली लगी होगी, मैं फिनिश हो गया। भाई मेरी भी कुछ गोलियाँ कनेक्ट हुई, ऐसा ही हो रहा है यार। शायद मेरे पास हेलमेट वेस्ट नहीं होगा इसीलिए ऐसा हुआ, बट कोई बात नहीं। अब भाई यहाँ पे इवेंट पे भाई केवल एक ही किल पे अपन फिनिश हो गए, बट देखना लास्ट के चलते चलते यहाँ पे भाई मैं 7-8 किल निकाल लूँगा और इस मैच में चिकन भी निकालूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है? अब देखो, जो बंदे सोच रहे हैं कि मेरा कॉन्कर कब होगा, भाई आपके गेम प्ले के हिसाब से मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका कॉन्कर कब होगा? और हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप कल एस कर लेते हो ना तो आपका एजे कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है? कल तक एस पे कॉन्कर रहेगा, फिर उसके बाद भाई 50 पॉइंट 70 पॉइंट ऐसे डेली का भागता रहेगा। तो जिन बंदों को भाई एस पे ही कॉन्कर चाहिए तो उसको भाई कल ही जो है एस लगा देना पड़ेगा, ठीक है? वैसे बात करें मेरे रैंक और टायर की, तो यहाँ पे भाई मैं क्राउन 4 पे हूँ और ट्राई करूंगा कि आज इसको क्राउन 3 कर दूं, फिर उसके बाद कल में भी मैं इसको एस कर लूं। अगर कल एस नहीं किया तो भाई परसों कर लूंगा, परसों कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है? इजी मेरा। बाकी अगर आपका एस पे कॉन्कर नहीं हुआ तो भाई डिमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि आप डेली का 150 प्लस करोगे ना तो भी आपका कॉन्कर इजी हो जाएगा। बाकी जो बंदे एकदम से लास्ट तक लेके जाना चाहते हैं अपने कॉन्कर पॉइंट को, वो डेली का 50 से 70 प्लस करेंगे तो भी उनके लिए बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है? आराम से आप कॉन्कर कर लोगे। तो आई होप कि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भाई कोई बंदा ये नहीं पूछेगा कि मेरा कॉन्कर कब होगा, एज पे कॉन्कर कब होगा, भाई डेली का कितना प्लस करूं, ये सारी बातें मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं यार। तो बढ़ते हमारे गेम प्ले की तरफ। देखो यहां पे सामने एक बंदा रहता है जिसपे यहां पे मैं थ्रोबल स्ट्राइक करता हूं, और भाई ये बंदा एक जगह रुकी नहीं रहा था। अब इससे फाइट कर ही रहा होता हूं भाई, पीछे एक और बंदा आ जाता है, फिर बंदा इधर पे पुश करता है, बट भाई ये रहता है उस बंदे का डिकॉय, जो कि मेरे को थोड़ा टाइम पे पता चल गया। अब देखो भाई, इसको ना इसी के जाल में फंसा के कितने गंदे तरीके का मौत देंगे ना, इसकी रूह 4 बार कांपेगी, मतलब कांपती रहेगी लगातार जब तक ये मैच को एग्जिट नहीं कर देगा। दूसरे मैच में भी यही सोचेगा कि मैं वहां पे मरा कैसे। अब देखो जैसे ही ऊपर जाता हूँ ना, बंदा डिकॉय का यूज करके इधर पे आएगा, और भाई यहाँ पे मैं काफी नेटवर्क डालने का ट्राई करता हूँ, और भाई बंदा यहाँ पे एक जगह रुकी नहीं रहा था, तो वहां पे भाई नेट डालना कुछ पॉसिबल हो नहीं जाता, और भाई एक दो नेट यहाँ पे मैंने वेस्ट कर दिया, वो सब मैंने आपको दिखाया नहीं। फिर यहाँ पे एक बोट आता है, बोट को मार के फाइनली मेरा यहाँ पे यार कम से कम किल तो हुआ। तभी देखना ये बंदा डिकॉय का यूज करके मेरे पास आता है, जो कि मेरे को पता चल गया कि डिकॉय है उधर, और भाई ये बंदा यहाँ पे यार थोड़ा सा अगर और लेट कर देता ना तो यहाँ पे बंदा मेरे को भर सकता था, क्योंकि भाई यहाँ पे इसके पास डीपीएस वगैरह थी। चलो कोई ना, इसको इजी किल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो एक लास्ट वाला बंदा यहाँ पे बचा हुआ ना, देखो उसको भी मारेंगे। अब देखो इधर पे मैं नेटवर्क करने का ट्राई करता हूँ, बट भाई उसके पहले बंदा खुद ही नीचे जंप कर जाता है, और इन भाई साहब को इधर पे इजी किल कर देते हैं, और यहाँ पे हो जाते हैं मेरे 4 किल। अब देख लो भाई, इवेंट पे मैंने एक किल निकाला था, बट उसके बाद यहाँ पे सारे किल्स मैं लास्ट में निकाला हूँ। अब सीधा एंट्री करते हैं लास्ट के सर्कल में। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो शेख है ये खाली था, बट भाई अगर यहाँ पे रुकते ना तो मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, तो मुझे इसके बाद सर्कल में एंट्री करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इधर पे आ जाता हूँ। ये थोड़ा सा पीछे का रेच वगैरह का कवर था, तभी यहाँ पे एक ड्रॉप आता था, जो कि भाई थोड़ा सा मेरे को कवर में लगा, तो मैं सोचा लूट लिया जाए, और यहाँ से मेरे को MG3 मिल जाती है। तभी देखो आगे कुछ बंदों का फाइट वाइट हो रहा होता है, तो मैं सोचा भाई ठीक है, चल के स्पॉट किया जाए।
और यहाँ पे डार्क भैया साहब को आराम से स्किल कर देते हैं। और उसके बाद भाई ये सर्कल अपने से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे इधर पे आता हूँ भाई, ये रीच पे ना हल्का सा सर्कल था, मैं सोचा भाई यहीं पे रुक लिया जाए, क्योंकि आगे कोई बढ़िया सा कवर भी नहीं था, तो मैं सोचा भाई यहीं पे रुकते हैं। और भाई यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा डाउट भी था कि कोई बंदा पीछे से आके मेरे को यहाँ पीजी भर ना दे। अब भाई यहाँ पे या तो मेरा नेट लैग हुआ या तो सामने वाले बंदे का लैग हुआ, यहाँ पे कुछ तो हुआ था, आपने देख ही लिया। अब भाई यहाँ पे अपने लेफ्ट में स्मोक कर देता हूँ ताकि लेफ्ट साइड से कोई बंदा भरने ना पाए। बाकी यहाँ पे बग्गी का कवर है और राइट से तो भाई कवर है ही थोड़ा सा दिशा। अब देखो यहाँ ऊपर एक और बंदा जा चुका था, तो मैं सोचा भाई अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है और यहाँ से फटाक से बग्गी लेके भागते हैं। और आगे के शेक वाले बंदे को यहाँ पे मैंने भर दिया था, तो मुझे पता था भाई उसका पोजीशन एकदम सेफ है, खाली है, वहाँ पे जाके रुक सकते हैं। और यहाँ पे हल्का सा सर्कल भी था अभी के लिए, बट भाई इसके बाद वाला सर्कल यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। स्मोक करता हूँ बग्गी पे और बग्गी लेके यहाँ पे भाई निकल ही रहा होता हूँ। एक बंदे का मेरे पास कम से कम 5 से 6 बार तो कॉल आया ही होगा, जो कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था। अब भाई यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा पोजीशन भी मिल गया था और भाई यहाँ पे सेफली पहुँच भी गए थे। और मेरे पीछे एक बंदा है जो कि बग्गी से आता है और लास्ट में वो जोन से ही फिनिश हो जाता है आते आते। बट भाई देख लो यहाँ पे मैं बार बार रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, क्यों मतलब यार जब कॉल आता है ना तो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑफ हो ही जाती है। और भाई बंदा यहाँ पे बार बार कॉल किए जा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ यार, ऐसे बंदे गेम के टाइम पर कॉल कर देते हैं। बट कोई ना, अब देखो यहाँ पे सामने बचे हैं केवल बंदे दो और दोनों का पोजीशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए मैं शांति से लेटा रहता हूँ। तभी देखो सामने एक बंदा मेरे को हल्का सा स्पॉट हो जाता है और यहाँ पे इसको भर दिया है जी, और यहाँ पे हो जाते हैं हमारे 6 किल। अब लास्ट में बचा है बंदा केवल एक, जो कि भाई इधर पे स्मोक वगैरह करके पुश करने लगता है। और यहाँ पे भाई थ्रोबल वगैरह फेंकता हूँ मैं भी और वो भी फेंकता है। अब यहाँ से भाई मेरे पास जितने भी थ्रोबल था मैं सब फेंक दिया, मोली ग्रेनेड स्मोक वगैरह सब फेंक देता हूँ। फिर उसके बाद देखना ये बंदा है के पास यहाँ पे डीएस वगैरह रहती है तो भाई पुश करेगा एकदम संधा वाला। और देखो यहाँ पे भाई मेरी MG3 लोड भी नहीं है, फायर किया और भाई MG3 में 18 गोली, और भाई उतने में ही एकदम से लास्ट वाली गोली बंदे को यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट हो जाती है और भाई बंदा यहाँ पे इजी फिनिश हो गया। अगर थोड़ा सा भी मिस हुआ होता ना तो ये बंदा मेरे को इजी भर देता और भाई इस मैच में भी अपना चिकन नहीं हो पाता। भाई हर एक मैच में मैं लगभग यार ज़्यादातर मैचों में #2 पे आके ही मर जाता हूँ, तो बुरा लगता है यार। तो देख लो भाई इस मैच में मेरे को अच्छा खासा यार 36+ भी मिल गया। तो भाई ऐसे आप आराम से खेलो, आपका यार इजी हाई प्लस मिलेगा, सॉरी 32+ होगा। अब देखो ये हमारा सेकंड गेम प्ले और भाई ये काफ़ी हॉर्ड लॉबी थी और भाई इसमें लास्ट तक ना काफ़ी यार अच्छे खासे बंदे बचे थे और भाई top 10 सर्वाइव करना कसम से यार काफ़ी मुश्किल था। तो भाई देखो यहाँ पर मैं top 10 सर्वाइव करके दिखाऊंगा। और भाई अभी मेरे यहाँ पे 6 किल पहले से हो रखे हैं, जो कि इवेंट वगैरह पहले से हो गए थे, तो वहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद जब देखा हॉर्ड लॉबी है तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाए। फिर देखो लास्ट के चल जल्दी दो तीन किल्स भी निकाल लूँगा, तो भाई देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूरा देखेगा। अब देखो यहाँ पे भाई अगर कहीं पे भी मेरी बग्गी अगर थोड़ी सी भी ठुक जाती ना, अब रोटेशन आप देख लो थोड़ा, जब तक मेरे को अच्छा खासा पोजीशन नहीं मिल जाता तब तक मैं अपनी बग्गी यहाँ पे रुकूंगा नहीं। और भाई यहाँ पे बग्गी हल्की सी भी ठुकती तो भाई चारों तरफ से जो स्प्रे पड़ता वो मुझे ही पता है। अब देखो सामने वाले घर पर ही बंदा था तो यहाँ पर मैं रुकता नहीं, ठीक है। अब देखो इसके आगे वाला कंपाउंड है, वहाँ पर आराम से गाड़ी रोकूंगा और भाई कंपाउंड पूरा खाली रहता है। अब भाई इधर पे आता हूँ और कंपाउंड पूरा एकदम से यार खाली था, तो यहाँ पे मैं सोचा आराम से रुक सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे देखो बैक टू बैक एक दो बंदे भी आएंगे। अभी यहाँ पे देखो पीछे एक बंदा आता है, जैसे भाई इसके ऊपर मेरा ध्यान था तभी आगे एक बग्गी से आता है बंदा। और भाई यहाँ पे मेरे पास थ्रोबल के नाम पर कुछ था भी नहीं, तो भाई बंदे को नहीं तो नेट वेट करके थोड़ा सा मारने का ट्राई करते। और भाई कुछ ही देर बाद ये बंदा पता नहीं किस लिए ओपन में निकल जाता है, फिर देखो इसको इजी भरेंगे। तो यहाँ पे 307 को किल करके अपने आराम से इजी 7 किल हो गए थे, ठीक है। अब देखो जोन यहाँ पे अपने से शिफ्ट हो चुका था और भाई अभी भी हमारा टॉप 10 नहीं हुआ था, 12 बंदे बचे थे
तो यहाँ पे भाई मैं सोचा इस बंदे को इग्नोर करते हैं और यहाँ से आगे जाते हैं। फिर देखो यहाँ पे पोजीशन कैसे निकालेंगे, और भाई एक ही साथ में ना कम से कम यहाँ पे 3 से 4 बग्गियों का रोटेशन आता है भाई, जिससे मैं डर ही गया था। और मैं सोचा भाई यहाँ पे स्प्रे लूँ तो किस पे लूँ, और यहाँ पे एक और बात का डर रहता है कि अगर आप स्प्रे वगैरह ले रहे हो ना तो कोई बंदा आपको कुचल वगैरह के चला जाता है। अब देखो भाई एक ही साथ में यहाँ पे यार इतनी बग्गियों को देख के मैं तो एकदम से डर ही गया था, अपने आप को यहाँ पे बचाऊं, कुचलने से बचूं या फिर इनको स्प्रे करूं। तभी देखो यहाँ पे राइट में एक बंदा जाता है जिसके बग्गी वगैरह का साउंड मेरे को पहले से आ गया था, तो मैं सोचा जाके इसको मार दूं, इजी किल कर देता हूं। और भाई ये बंदा यहाँ पे पहले से थोड़ा बहुत डैमेज वगैरह भी था, और यहाँ पे देख लो अपने अच्छे खासे 8 किल भी हो गए थे, और यहाँ पे हमारा टॉप 10 भी हो गया था, तो मेरे को अच्छा खासा प्लस मिल ही जाएगा। अब जैसे ही आगे जाता हूँ यहाँ पे एक बंदा रहता है जिसको भाई थोड़ा सा मारने का ट्राई करता हूँ, बट भाई एक ही गोली कनेक्ट कर पाया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। भाई बंदा को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ बट भाई बंदा स्पॉट होता नहीं, और फिर मैं सोचा भाई अभी यहाँ से निकला जाए। और देखो सर्कल आगे एकदम से ओपन में है, भाई यहाँ पे बंदा मेरे को पहले से ही हाफ कर देता है। फिर देखो मैं सोचा भाई इससे फाइट लेने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब इसको तो इधर पे किल कर देता हूँ, बट भाई ऊपर से ये वाला बंदा थर्ड पार्टी करके थोड़ा सा यार इसको एडवांटेज मिल गया। यहाँ पे मैं एकदम से 1 HP हो रखा था, तो इसने मेरे को यहाँ पे इजी भर दिया। बट भाई इस बंदे का क्या था यार, ये स्मोक के अंदर बंदों को मार रहा था, ये देखो। अब पता नहीं भाई मैं भी इसके व्यू पॉइंट से, पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट भाई ये भी यहाँ पे मोली से मर जाता है, फिनिश हो जाता है उसी के मोली से, और लास्ट में भाई बंदा फ्रीका चिकन लेके जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।